Desi Romance is brilliantly written by Jaideep Sani and equally well directed by Manish Sharma. और ये उन तीन यंग रेस्टलेस लोगों की स्टोरी है जो अपने दिल के सुनते हैं. जनरली हमें सोसाइटी की गाइडलाइंस होती है कि इस समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद फिर शादी कर लो, और फिर इस टाइप के इंसान के साथ शादी करो तो तुम्हारी लाइफ जो है वो सॉर्टेड रहेगी. लेकिन ये तीन थोड़े करेजियस हैं और अपने दिल के सुनते हैं और वो कहते हैं तुम लोग ठीक हो लेकिन हमें अपने हाल पे छोड़ दो. और इनकी अपनी बिलीफ है, अपना आइडिया है, अपनी डेफिनेशन है लव की. Or they want different things in their life. So it's only when their lives crisscross, you know, their beliefs are challenged and their love's tested. Or jaise hum lagta hai ki we want everything in our life. We want relationship, commitment, marriage. Lekin jab hume sab mil jata hai, then only we realize ki it's not in the same way we recognize it. To main hu Raghu aur main Jaipur ka ek tourist guide. Meri life mein sab kuch hai. Bas main ट्रू लव के पीछे मतलब मैं वो ढूंढ, और मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं किसी से मिलता हूँ तो ये हार्मोनल रश है, ये एक्चुअली लव है या इन्फैचुएशन है या फिर क्या है. तो लिटमस टेस्ट तो होता नहीं. तो जॉन अगेन सुपर सुपर हैप्पी टू बी वर्किंग विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर माय फर्स्ट मूवी. बहुत टैलेंटेड है, बहुत कंसिस्टेंट है. इट माइट जस्ट साउंड बोरिंग आई नो, बट देन कांट हेल्प इट. आई मीन ही इज एन एंडियरिंग एक्टर. मेरी तारीफ की नहीं बट सुशांत एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग एंड फ्रेश एंड यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड वी हैड लॉट ऑफ फन टाइम शूटिंग. ऑन सेट व्हेन आई वाज एक्चुअली शूटिंग, जब मैं शूट कर रही थी मूवी, डरी हुई रहती थी मैं मनीष से क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था. एक तो मैं मनीष की बैंड बाजा महाराज की फैन थी, तो मुझे लगता था टू इम्प्रेस दिस डायरेक्टर इज आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं उतना ही अच्छा करूँ जितना बाकी सब करें. सुशांत, परिणीति, जो अनुष्का रणवीर ने किया है, और मैं क्योंकि नहीं हूँ, मेरा कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं है, मैंने एक्टिंग नहीं करी पहले, तो नर्वसनेस थी क्योंकि रॉ थी, इतनी सोच और इतनी नॉलेज नहीं थी एक्टिंग को लेकर. इमोशन समझती हूँ, ऊपर ऊपर से समझती हूँ कि कैसे इमोट किया जाता है और कैसे एक्ट कर सकते हैं, बट कैरेक्टर समझने में भी बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं और तारा काफ़ी डिफरेंट है. वो पहले मुझे एलियन लगती थी, फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी. एंड देन बाय द एंड ऑफ द मूवी आई वाज लाइक अच्छा ये है. और वो बहुत ही नेचुरल आ रहा है. आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको रिलाइज हम आपको समझ भी नहीं रहे हैं पहले. तो वो काफ़ी यू नो बाहर के लोकेशंस में सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आता है, एक विलन होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है. लेकिन कभी हम वो माइनी और डिटेल्स को बारीकियों के बारे में नहीं बताते कि जब हम किसी को बोलते हैं कि यार आई थिंक आई लव यू, उसके बाद जो होता है हमारे साथ, हम हर दिन अपने अपने से क्वेश्चन करते हैं कि यार ये सही में हो रहा है, ये सही है, मैं मतलब शादी कर लूँ. तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान में आते हैं, ये उन सब के बारे में बात करते हैं जो लव और कमिटमेंट के बीच में जितनी भी बातें होती हैं. तो बहुत ही शुद्ध और इसी तरीके से मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप करेंगे अगर आप बिल्कुल वैसे इंसान हैं. तो ऐसा कुछ लेकिन वो फिल्म देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अलग हैं, लोग अलग जगह से हैं, तो वो बिल्कुल ट्रू टू जयपुर जहाँ पर लोगों ने शूट किया, जहाँ से प्रोटैगनिस्ट हमारे हैं, तो उससे बिल्कुल ताल्लुक रखते हैं. और जो वो जैसा भी कर रहे हैं वो उसकी अपनी इमोशन से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यू नो ह्यूमन इमोशन से, तो उसमें क्या किसी के साथ निकल पाएगा. बॉम्बे एक प्रिंट शूट के लिए आई तो उन्होंने मुझे बोला कि एक शानू शर्मा करके एक कास्टिंग डायरेक्टर है एंड शी शॉर्टलिस्टेड योर फोटोज अमंग अ लॉट ऑफ अदर और काफ़ी मॉडल्स के साथ, तो जस्ट एक बार मिल लो उनसे जाकर. आई वॉज लाइक बिकॉज दिल्ली में बैठे हुए सबको ये लगता है कि इंडस्ट्री इतनी खराब है, और तब इतनी इम्प्रेस नहीं लगी. तो व्हेन आई वाज देयर ऑन यू नो आई वाज ऑलरेडी इन माय फ्लाइट, जब मुझे उनका कॉल आया कि लिसन आई वाज गोइंग थ्रू योर ऑडिशन एंड आई रियली लाइक यू, तो स्टे बैक बॉम्बे में. एंड आई वाज लाइक मैं रुक नहीं सकती, मेरी कॉस्मोपॉलिटन की शूट है. शी लाइक यू नो दैट द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ यशराज फिल्म्स टॉकिंग टू यू. आई लाइक हाँ आई नो, बट कमिटमेंट की हुई है. शी लाइक अच्छा अच्छा कम बैक लेटर, यू नो डू योर शूट एंड देन कम बैक एंड वी विल सी. तो मैं आई उनके साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी, ऑडिशन करे, स्क्रीन टेस्ट करी, एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड ऑन दिस रोल.
सो ग्लैड कि मिल गई परिणीति और सुशांत. आई मीन अ मूवी जिसमें परिणीति है और सुशांत है और मनीष शर्मा जैसा डायरेक्टर है, आदित्य चोपड़ा जैसा प्रोड्यूसर है, जयदीप सहानी राइटर, और मुझे उस मूवी का पार्ट बनने को मिल गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी. ऑनेस्टली मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, बिकॉज एवरीबडी इज सो टैलेंटेड एंड दे वर्क सो हार्ड फॉर द मूवी. आई डिड नॉट वॉन्टेड, आई मीन आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी द वीक स्ट्रिंग यू नो टू बी अटैच टू द होल मूवी. So, मेरे लिए चैलेंजिंग था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आई वाज कंसिडर्ड एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ सच अ टैलेंटेड ग्रुप.